मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद उसके पास में जो बेल की घंटी दिखाई दे रही है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कुछ नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाईपी हैकिंग एक ऐप के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे आजकल का वाईफाई सिक्योरिटी कितना इतना टफ हो गया है। वाईफाई को हैकिंग करना बहुत मुश्किल हो चुकी है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि उस वाईफाई को हैक नहीं करा जाए कर पाए आप। तो सबसे लो क्वालिटी सिक्योरिटी है WPA2, ये सबसे लो क्वालिटी सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी को दिया जाता है वाईफाई पे, तो आप इजीली वाईफाई को हैक कर सकते हैं किसी ऐप के बिना ही। तो और सबसे टॉप सिक्योरिटी WPA और WPA2, ये सिक्योरिटी बहुत ही टफ है। इसको हैक करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इस ऐप के बारे में। इस ऐप के माध्यम से आप किसी भी यही वाईफाई को हैक कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप वाईफाई को ज़रूर हैक कर पाएंगे। तो चलिए बिना बात करें आज के टॉपिक पे हम शुरू करते हैं। तो आपका नाम है WBR+, मैं डिस्क्रिप्शन के इस ऐप के लिंक दे दूंगा। आप जाके वहाँ से इस ऐप के लिंक को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं आपको मेथड बता देता हूँ कैसे आप आपको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ऐड नेटवर्क के जाइए, उसके बाद मेरे देखिए मेरे सामने एक वाईफाई ऑन हुआ है। मैं उसको हैक करके दिखाऊंगा। देखिए आपको वाईफाई का सिक्योरिटी दीजिए, देख लीजिए WPA2 है सिक्योरिटी। तो मैं आपको इस ऐप में आपको 4 तरह के सिक्योरिटी का ट्रैक करने का ऑप्शन दिया जाता है। सबसे पहला है स्मॉल डिक्शनरी, मिडिल डिक्शनरी, बिग डिक्शनरी। इस तीनों माध्यम से आप कुछ टाइम लगेगा, पासवर्ड थोड़ा जाना पहचाना हो तो इस तीन माध्यम से आपको वाईफाई हैक कर सकते हैं। और पहला वाला जो है इसको हैक करने इस आप इसको करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत शायद 10 आवर्स से 12 आवर्स लग जाएगा वाईफाई को हैक करने में। लेकिन आपको वाईफाई ज़रूर हैक होगा, तो टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन वाईफाई हैक होगा। तो चलिए मैं आपको इस मिडिल वाला से ही मिडिल वाला करके दिखा देता हूँ मेरे कौन से वाईफाई कौन से मेरे से ये वाईफाई हैक हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मिडिल में किया, उसके बाद आप ऐड टू क्विट करके आप देखिए मेरा यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन देखिए ये सेकेंड वाला से मिडिल से वाईफाई हैक होता है कि नहीं। देखिए ये वो वाईफाई का हैंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद वाईफाई का BSS ID कोड दिखा रहा है, वाईफाई का सिक्योरिटी दिखा रहा है। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे ले रहा है, एक के बाद एक पासवर्ड यहाँ से लेता जाएगा। उसके बाद उसके जो पासवर्ड उस वाईफाई का होगा जब मैच हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दिखा दे जाएगा ये पासवर्ड आर्ड ये है, और उसकी वाईफाई का नाम भी दिखा दिएगा। तो देखिए मेरा वाईफाई हैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, देख लेते हैं कितने टाइम पे वाईफाई हैक होता है या नहीं। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितने टाइम पे वाईफाई हैक होता है। तो देखिए वाईफाई हैक हो चुकी है, वाईफाई का नाम और पासवर्ड यहाँ पे दिखा दिया है। तो मैंने देखिए आप टाइम भी देख लीजिए, मैंने आपके सामने ही ये किया। तो वाईफाई हैक हो चुकी है। अब उसके बाद आपको ये आपसे नहीं हो पाया तो आप यहाँ पे जाके इस बूस्ट फोर पे जाके आप कौन सुबह जाके आप यहाँ से स्मॉल लेटर अपर केस लोअर केस एंड नंबर नंबर एंड न्यूमेरिक संख्या को सिलेक्ट करके आप कितने से आप मिनिमम कितने लेंथ तक वाईफाई का कोड हो सकता है पासवर्ड, अब जाके सेव करके आप ब्रूट फोर्स से ये अटैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पासवर्ड जरूर हैक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कुछ नया वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहिए और एवरी वीक कुछ नया सीखिए।